श्री गणेशाय नमः। तो मित्रों स्वागत है आपनू अपनी यूट्यूब चैनल भक्ति कीर्तन संग्रह में। मित्रों आजना आ वीडियो में अपने चैत्र महीना में शुक्ल पक्ष में आती चतुर्थी एटले के विनायक चतुर्थी विषय बात करवाना छे। आजना आ वीडियो में अपने आ विनायक चतुर्थी नू महत्व, आजना दिवसे भगवान गणेश नी केवी रीते पूजा थाय छे, तेमज आ विनायक चतुर्थी नी व्रत कथा पण आजे आपणे सांभळीशुं। तो मित्रों अंत सुधी मारी साथे जोड़ायेले रहेजो अने वीडियो पसंद आवे तो आपना मित्रों साथे पण शेर करजो। अने हाँ, जो आपने अमारा व्हाट्सएप ग्रुप में पण जोड़ावुं होय तो अहींया जे व्हाट्सएप नंबर लखेलो छे तेना उपर आप अमने जय श्री गणेश लखीने मोकली शको छो, के जेथी करीने आपने अमारा ग्रुपनी लिंक मळी जशे अने जेमां जॉइन थई जशो एटले आपने त्यां अनेक स्थळोना नित्य आरतीना लाइव दर्शन, धार्मिक पोस्ट, सुविचार तेमज अमारा वीडियोनी लिंक मळी रहेशे। मित्रों अपना हिंदू धर्मना पंचांग अनुसार दर महीना में बे चतुर्थी आवे छे, एटले के एक शुक्ल पक्ष में तो वड़ी बीजी कृष्ण पक्ष में। दर महीने शुक्ल पक्ष में आती चतुर्थी ने विनायक चतुर्थी कहेवाय छे, ज्यारे कृष्ण पक्ष में आती चतुर्थी ने संकष्टी चतुर्थी कहेवाय छे। अने मां पण जो आ चतुर्थी मंगलवार अथवा तो बुधवार आती होय तो तेनुं विशेष महत्व होय छे। तो आ वक्ते आ विनायक चतुर्थी 5 એપ્રિલ 2022 ने मंगलवार ना रोज आवे छे, अने एमा पण आ चतुर्थी ए चैत्री नवरात्रि दरमियान छे। एवुं कहेवाय छे के चतुर्थीनी तिथि ए भगवान श्री गणेश ने अति प्रिय छे। जो आजना दिवसे भगवान गणेशनी पूजा करवामां आवे छे तो अपना कार्यमां आवती बाधा, परेशानीओ, संकट दूर थाय छे अने ते आपणुं कार्य निर्विघ्न पूरुं थाय छे। तमाम देवताओं में गणेशजीनुं स्थान सर्वोपरि छे अने तेथी ज आपणे कोईपण शुभ कार्यनी शुरुआत करता पहेला भगवान श्री गणेशने याद करीए छीए, तेमनी पूजा करीए छीए। तो मित्रों आ तो चतुर्थीनो दिवस छे अने एमां पण नवरात्रिमां आवती चतुर्थी छे। तो आजना दिवसे भगवान श्री गणेशनी जे पण कोई व्यक्ति पूजा आराधना करे छे तेना उपर भगवान श्री गणेश अवश्य प्रसन्न थाय छे अने तेमना आशीर्वाद पण मळे छे। आजना दिवसे जे कोई व्यक्ति व्रत करतू होय तेने सवारे वेला उठी स्नान करीने सौ प्रथम भगवान श्री गणेशनी पूजा करवानी होय छे। तो तेना माटे पूजा स्थान ने गंगाजळथी शुद्ध करवानुं, त्यार पछी गणपतिजीनी मूर्ति अथवा तो तेमना फोटाने स्थापित करवानो, ते भगवान श्री गणेशने फूलनी माळा पहेरावानी, जनोई नवी धारण करावानी, तेमज भगवान श्री गणेशने फूल अर्पण करवाना, धूप दीप नैवेद्य अक्षत अने तेमने अति प्रिय एवा दुर्वा भगवान ने अर्पण करवाना। आजना दिवसे खास करीने भगवान श्री गणेश ने लाडू मोदकनो प्रसाद चढ़ावो जोईए अने एमां पण बनी सके तो 21 लाडुओनो भोग लगावो। त्यार पछी भगवान श्री गणेशनी आरती करवानी अने पूजा आरती करी लीधा पछी त्यां ज बेसीने व्रत कथा वाँचवी सांभळवी जोईए। अने मित्रों जो आप कोई कारणोसर आजना दिवसे भगवान श्री गणेशनी पूजा न करी सकता होय, व्रत उपवास न करी सकता होय तो आप फक्त आजना दिवसे जो आप व्रत कथा पण सांभळो छो, आ व्रतनुं महत्व पण सांभळो छो तो पण आपने व्रत कर्या बराबर पुण्यफळनी प्राप्ति थाय छे। आजना दिवसे चंद्रने अर्ध्ये पण आपवानुं होय छे, ब्राह्मणने दान आपवानुं, ब्राह्मणने सीधो आपवानो, तेमज जे कोई व्यक्ति भगवान श्री गणेशनी आजना दिवसे पूजा नथी करी शकतुं तेणे भगवान श्री गणेशने लाल रंगना सिंदूरनुं तिलक अवश्य करवुं ज जोईए। अने भगवानने तिलक करती वखते बोलवानुं, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूर प्रति गुह्यताम। तो आवी रीते आ मंत्रनो जाप करी लीधा पछी आप भगवान श्री गणेशना अन्य मंत्रोनो पण जाप करी शको छो, एटले के ओम श्री गणेशाय नमः छे, ओम गंगणपतिये नमो नमः छे, श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ए मंत्रनो पण आप आजना दिवसे जाप करी शको छो। अने मित्रों आप जे पण कोई मंत्रनो जाप करो तेनो 108 वखत जाप करवानो रहेशे, भले आप एक मंत्र करो अथवा तो बे मंत्र करो। तो मित्रों आटलू करी लीधा पछी हवे जे लोको व्रत करे छे अथवा तो जे कोई व्रत नथी करी सक्या तेने आ व्रत कथा अचूकपणे अवश्य सांभळवी जोईए। तो मित्रों हजी सुधी जो आपे अमारा वीडियो ने लाइक न करी होय तो अत्यारे ज अमारा वीडियो ने लाइक करी दियो अने अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करी दियो, कि जेथी करीने आप सौ लोकोने अवनवा वीडियो मळता रहे अने अनेक व्रतनी कथा अमारा द्वारा सांभळवा मळे।
तो आओ मित्रों हवे आपणे विनायक चतुर्थीनी व्रत कथा सांभळीए। दंतकथा अनुसार एक समय राजा हरिश्चंद्रना राज्यमां एक कुंभार रहेतो हतो। ते पोताना परिवारने खवडावा माटे माटीना वासण बनावतो हतो। कोई कारणोसर तेना वासणो आगमां बराबर रांध्या न हता अने ते काचा रही गया हता। हवे काचा माटीना वासणोने कारणे तेनी आवकमां घटाडो थवा लाग्यो, कारण के धीमे धीमे हवे तेनो धंधो मंद पड़वा लाग्यो हतो। आ समस्याना निराकरण माटे ते एक पादरी पासे गयो। पुजारीए कह्युं, आ माटे तमारे वासणोनी साथे एक नानकड़ा बाळकने पण पाणीमां नाखवो जोईए। पुजारीनी सलाह पर तेणे पोताना माटीना वासणો रसોઈ બનાવવા માટે આવનમાં રાખ્યા અને એક બાળક પણ પોતાની સાથે રાખ્યું। તે દિવસે ચતુર્થી હતી અને બાળકની ગેરહાજરીથી તેની માતા પરેશાન થઈ ગઈ। તેમણે ગણેશજીને તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી, તો વળી બીજી બાજુ કુંભારે બીજે દિવસે સવારે તેના માટીના વાસણો જોયા કે બધું બરાબર રાંધવામાં આવ્યું હતું અને તે બાળક પણ જીવતો હતો અને તેને કંઈ પણ થયું ન હતું। આ જોઈને કુંભાર ડરી ગયો અને રાજાના દરબારમાં જઈ તેણે બધું કહ્યું। પછી રાજાએ છોકરાને તેની માતાને દરબારમાં બોલાવ્યા। પછી તે મહિલાએ ગણેશ ચતુર્થીના ઉપવાસનું મહાત્મ્ય વર્ણવ્યું અને આ ઘટના પછી લોકોએ પોતાના પરિવાર અને બાળકોની સુખાકારી માટે ચતુર્થી વ્રત કરવાનું શરૂ કર્યું। તો આ રીતે વિનાયક ચતુર્થી પર જે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાન શ્રી ગણેશની પૂજા કરે છે, વ્રત કરે છે, તેના ઉપર ભગવાન શ્રી ગણેશ પ્રસન્ન થાય છે, ભક્તોના કાર્યોમાં આવતી પરેશાનીઓ દૂર કરે છે અને તેની કૃપાથી વ્યક્તિનું કાર્ય નિર્વિઘ્ન સંપન્ન પૂર્ણ થાય છે। તેઓ શુભનું પ્રતીક છે અને તેઓ પ્રથમ પૂજારી છે અને તેથી જ કોઈપણ કાર્ય કરતાં પહેલાં આપણે ભગવાન શ્રી ગણેશની પૂજા કરીએ છીએ। તો બોલીએ શ્રી ગણપતિ ગજાનન મહારાજ કી જય। તો મિત્રો, આશા છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ વ્રત કર્યું હશે અથવા તો જે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ કારણોસર વ્રત નથી કરી શક્યા તેણે મારી સાથે આ વ્રત કથા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી હશે। તો મિત્રો, ભગવાન શ્રી ગણેશની મારી એટલી જ પ્રાર્થના છે કે તે આપને સુખી, સમૃદ્ધ, લાંબુ આયુષ્ય આપે, આપના પરિવારને સારું જીવન આપે, ઘરમાં ક્યારેય કલેશ કંકાસ આવે નહીં, આપ સૌ લોકો હળીમળીને સાથે રહો, આપ પણ ખુશ રહો, બીજાને પણ ખુશ રાખો અને આ ચતુર્થીનું મહાત્મ્ય આપ બીજા લોકોને પણ જણાવી તે લોકોને પણ પુણ્ય ફળની પ્રાપ્તિ કરાવો। તો મિત્રો, આ સાથે હવે મને રજા આપો, મળીશું ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આપ સૌને અમારી ચેનલના જય શ્રી કૃષ્ણ ધન્યવાદ। મારી સાથે જોડાઈ રહેવા બદલ આપ સૌ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર।